यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, ये जो उक्ति है चरितार्थ होती है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति बंधन है उसका संकल्प भी सिद्ध होता है। और इतिहास जो 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्पित दशक के रूप में याद रखेगा, चाहे वो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति मिली हो, या देश की जो विधायिका है उसमें 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले जो घर हैं उसकी रजिस्ट्री और चाबी हमारी बहन बेटियों के हाथ में सौंपने का निर्णय हो, देश में पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर एक ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पढ़ी लिखी पैदा हुई बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अवसर मिला हो। इतना ही नहीं, यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी सदन ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के उन्नयन के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के जो सरकारी सेवाएं हैं उन सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया और अपने वायदे को निभाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में रिफिल करके देने का जो संकल्प लिया था वो संकल्प भी हम धरातल पर उतार रहे हैं, और 1,82,000 परिवारों को साल में 3 सिलेंडर देने का काम भी हम कर रहे हैं। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है, अगर मैं इसमें बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत कहना है, मैं आपको यही कहना सकता हूँ, इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि हम इस दशक में महिला सशक्तिकरण के दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़े हैं। और पिछले ढाई महीने में मैं राज्य के लगभग 9 जिलों में जाने के बाद ये आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा अपनी माताओं बहनों से बेटियों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से मैंने देखा है कि आज ये मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, और उनका जो स्नेह है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका उत्साह है, दिखता है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा आने वाला नया भारत है, हमारा नया उत्तराखंड है, उसकी तस्वीर बयान करती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी गांव में हैं, और दीपावली के बाद गांव चली गई थी, तो कल मुझे फ़ोन आया उनका, हर 2-3 दिन में फ़ोन करती हैं, अक्सर मैं भी कर लेता हूँ, तो कल मुझे कह रही थी कि क्या हो रहा है, विधानसभा तो अभी बाद में होने वाली थी, ये पहले कैसे हो रही है, अखबार पढ़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, वैसे चर्चा हो रही होगी कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए बच्चों से बात करते हुए पता लगा कि लेट आ रहे हैं, बैठे हैं, मीटिंग चल रही है काफ़ी दिन जब से चला। तो जब मैंने उनको बताया कि हम इस प्रकार का एक विधेयक लेकर आ रहे हैं आपकी अध्यक्षता में, तो बोली, बेटा ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। जब मैंने उनको विस्तार से बताया कि किस प्रकार की असमानता थी, किस प्रकार से हम इसको समानता की ओर ले जा रहे हैं, किस प्रकार का हम नियम बना रहे हैं,